स्वागत है मित्रों यूएफओ किचन में आपका। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर मशरूम मखाना की सब्ज़ी। सो मटर मशरूम मखाना के लिए हमें क्या करना है, ये हमने यहाँ पे एक कटोरी मखाने ले लिए। इसको पहले हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, एकदम शैलो फ्राई, बस भून लेते हैं एक प्रकार से, समझो फ्राई भी नहीं कहेंगे इसको। ये स्टोव जला लेते हैं, ये देखिए ये गैस जला ली, और ये थोड़ा सा तेल डाल देते हैं इसमें, और जैसे ही तेल गर्म होता है हल्का सा, इसके अंदर इसको हम भून लेते हैं। अच्छा देखिए तेल हमारा हल्का सा गर्म हो गया, इसकी आँच हम एकदम से कम कर देंगे, अदरवाइज़ आपका मखाना जल जाएगा। तो इसको हल्का सा बस कम आँच पे, मीडियम और लो के बीच में, और थोड़ा सा बस 3-4 मिनट भुनेंगे बस। ये देखिए इसको चला चला के भूनते रहिए, और जैसे ही हल्का हल्का सा भुन जाएगा, ये हल्का हल्का सा गुलाबी पन आ जाएगा इसके ऊपर, तो इसको हम निकाल लेंगे। जिसको ऐसे आराम आराम से भूनिएगा, ऐसे जल्दीबाजी के चक्कर में उसकी आँच मत तेज़ कर लीजिएगा आप, और बस धीरे धीरे आराम से पेशेंस के साथ भून लीजिए इसको। अच्छा थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा भी भुना रहेगा तो चलेगा, क्योंकि हमारी रसे वाली सब्ज़ी है, ग्रेवी के अंदर जाना है इसको, तो एकदम से वो उसके अंदर जाके गल ना जाए, इसलिए इसको हल्का सा भूनते हैं। तो ये देखिए हमारा हो गया फर्स्ट क्लास। इसका टेस्ट ये भी कर सकते हैं कि आप इसको दबाएंगे तो वो वैसा नहीं दिखेगा कि आराम से दब गया, ये कड़क सा हो जाएगा थोड़ा सा, और बस इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए इसको मैं निकाल लेता हूँ मखाने को। तो देखिए एक तो हमने तैयारी में मखाना भून लिया अपना, दूसरी तैयारी में हम क्या करेंगे, हमने टमाटर लिया है, हम थोड़ा सा टमाटर लेना है इसमें। आप चाहें अगर आपके पास ये, मेरे पास चूँकि एक V8 है जो कि 8 सब्जियों का जूस होता है, तो वो है मेरे पास, तो इसलिए मैं ज़्यादा टमाटर नहीं ले रहा हूँ, मैं ज़्यादा उसका इस्तेमाल करूँगा। और ये 7-8 कलियाँ लहसुन की ले ली हैं, और 1/2 इंच का अदरक है। तो इन चारों चीज़ों को मिला के हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे, और फिर उसको बना के रख लेंगे प्योरी उसकी। तो देखिए हमने वो टमाटर लहसुन और अदरक, उसके साथ में थोड़ा सा V8 मिला के, और ये बना लिया है मिक्सी में पीस के, इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो इसको मैं रख देता हूँ यहाँ, और अब आप काम करें, इसी कढ़ाई को फिर से गर्म कर लें, और इसमें थोड़ा तेल ले लें। तो ये देखिए मैंने इसमें रफली 1.5 चम्मच के करीब ऑयल डाल लिया। तो देखिए जैसे ये ऑयल गर्म होने लग गया, इसके अंदर हम थोड़ी सी हींग डाल देते हैं। ये देखिए मैंने हींग डाल दी, और साथ में ये 1 चम्मच जीरा है मेरे पास, वो हम डाल देते हैं इसके अंदर, और इसको हल्का सा तलकने देते हैं। ये देखिए तुरंत ही तलकने लगा। आँच हम मीडियम पे पकाएंगे इसको अभी, और ये देखिए जीरा तलकने लगा हमारा। अब इसके अंदर ये मेरे पास 3 छोटी प्याज हैं बारीक कटी हुई, उसको डालता हूँ मैं। अब ये प्याज हम इसके गोल्डन होने तक इसको भुनेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये ऐसा गोल्डन ब्राउन हो गया ये। अब इस लेवल पे आके हम इसके अंदर नमक डालते हैं, 1 चम्मच नमक है मेरे पास, इसके अंदर डाल देते हैं पूरा, और इसको फिर मिक्स करते हैं, और नमक के साथ थोड़ी देर इसको पकाते हैं। तो ये नमक के साथ पकते हुए करीब 30 से 40 सेकंड हो गए, ऐसे चलाते रहिएगा इसको। अब इस लेवल पे आके हम ये 1/2 चम्मच हल्दी है वो भी डाल देते हैं इसके अंदर, ताकि हल्दी कच्ची स्वाद ना आए इसके अंदर। ये देखिए हल्दी डाल के भी मैंने करीबन 30 सेकंड के लिए इसको चला लिया है, लगभग लगभग हल्दी पक गई है। अब इसके अंदर हम ये जो हमने अपना पेस्ट बनाया था टमाटर अदरक और लहसुन का, और साथ में V8 थोड़ा सा मिला के, उसको हम डाल देते हैं, और उसको भी भूनते हैं साथ में। अच्छा देखिए ये पकना हमने मिला दिया सबको इसके अंदर, और इसके साथ ही हम इसमें हमारे पास ये फ्रोजन मटर है 1 कप, उसको डाल देते हैं, वो भी इसके साथ ही पकती रहेगी फिर, ताकि वो अच्छी तरह से अपने अंदर मसाले जज्ब कर लेगी मटर भी। इसको बस चला दीजिए, और इसके बाद इसको एकदम मीडियम से लो आंच के बीच में रख के 3 से 4 मिनट के लिए हम ढक के इसको पकाते हैं। इसको हम ढक देते हैं, और ये लो से मीडियम के बीच में आंच कर दी, और 3 से 4 मिनट के बीच में इसको खोल के हम देखते हैं। तो देखिए करीब 5 मिनट हो गए इसको, ये देखिए क्या बेहतरीन तैयार हुआ है। अब इसमें क्या करते हैं, अभी चूंकि इसको भी और पकना है, तो इस समय पर आके हम इसके अंदर कुछ मसाले डाल देते हैं। तो उसमें मैंने क्या किया, ये मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है 1/2 चम्मच करीब, वो डाल देते हैं। धनिया पाउडर है 1 चम्मच, वो डाल देते हैं। जीरा पाउडर है 1 चम्मच, वो डाल देते हैं। और ये कसूरी मेथी है मेरे पास, वो भी 1 चम्मच के करीब है, उसको डाल देता हूँ, और इनको सबको मिक्स कर देते हैं। ये देखिए
और मिक्स करके इसको थोड़ा देर चला लीजिए, 30-40 सेकंड, 1 मिनट तक चला लीजिए और फिर बाकी चीज़ में मिलाते हैं। अच्छा, सारे मसाले मिलाने के बाद इसको ऐसे 30-40 सेकंड के लिए चला लीजिए और फिर इसको एकदम लो आंच पे करके और फिर 3-4 मिनट के लिए ढक के हम पकाते हैं। ये देखिए, बस एकदम लो आंच कर देते हैं, मीडियम और लो के बीच में, और 2-3 मिनट के लिए इसको रखते हैं यहाँ पे। अच्छा देखिए, 3-4 मिनट हो गए। ये देखिए हमारा मसाला तैयार हो गया। ये देखिए कितना शाइनी हो गया, मतलब इसका ऑयल आने लग गया, ऊपर सब शाइनिंग आने लग गई। देखिए आप कितना बढ़िया हो गया। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये मशरूम डालते हैं और इसको मिला लेते हैं। जब आप मिला रहे हैं इसको तो इसकी आँच आप फिर से कम कर लीजिए, अदरवाइज़ वो कढ़ाई में पकड़ लेगा, क्योंकि स्टील की कढ़ाई है, नॉन स्टिक में तो नहीं पकड़ता लेकिन इसमें पकड़ लेता है। तो इसको बस मिला लिया आपने और अब इतने ही लो आँच पे इसको रख के 2-3 मिनट के लिए बस इसको रखते हैं, ताकि थोड़ा पानी छोड़ने लग जाए, फिर उसके बाद इसके अंदर मखाने मिलाएंगे। इसको ढक देते हैं 3 मिनट के लिए और फिर दिखाते हैं आपको। अच्छा ये देखिए, 2 मिनट हो गए इसको पकते हुए, एक बार इसको चला लेते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए, बढ़िया, बस चला के और फिर इसकी लोई आंच पे रखिएगा इसको, नहीं तो ये लग जाएगा। और बस फिर इसको हम फिर से 2 मिनट के लिए ढकते हैं। तो ये देखिए, 2 मिनट और पक लिया है और ये देखिए। तो अब इसमें क्या करते हैं हम कि थोड़ा पानी डालते हैं और फिर मखाने मिलाते हैं। ये देखिए हल्का गर्म पानी है, ये इसको डाल देते हैं। अभी आप डिसाइड करिए कितनी ग्रेवी आपको रखना है, उसके हिसाब से आप इसमें पानी मिलाइएगा, क्योंकि अभी इसमें जब मखाने डालेंगे तो मखाने भी इसका पानी पिएगा अभी। तो देखिए मैं इसमें मखाना डालता हूँ और उसको भी मिला देते हैं। अच्छा देखिए, पानी हमने इसमें मिला दिया, मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा पानी और जाएगा अभी। और वैसे भी जब आप इसको रख देंगे बनाने के बाद में और जब तक आपके खाने का समय होगा, तो संभव है कि मखाना उसके अंदर पानी पी जाए उसका। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस वक्त भी थोड़ा सा गर्म पानी मिला के हल्का सा इसको गर्म कर लीजिए और फिर ये आपकी हो जाएगी रसेदार सब्ज़ी तैयार। तो अब इसको हम 3-4 मिनट के लिए फिर से लो आँच पे ढक के पकने देते हैं। तो देखिए क्या फर्स्ट क्लास बन गई सब्ज़ी। अब इस लेवल पर आप डिसाइड करिए कि आप कितना ग्रेवी रखना चाहते हैं इसके अंदर, अदरवाइज़ थोड़ा देर और उबाल लें। लेकिन अब ये बढ़िया ग्रेवी है, सही कंसिस्टेंसी है बिल्कुल। अब आखिरी चीज़ है इसमें, ये गरम मसाला है मेरे पास, ये करीबन 1/4 चम्मच है, वो मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। और साथ में ये शक्कर है 1/2 चम्मच, वो इसके अंदर मैं डालता हूँ। ये हरी धनिया है, इसको डाल लेते हैं थोड़ी सी और इसको मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, और बस 30 सेकंड के लिए इसको चलाते हैं और फिर इसको ऑफ़ कर देंगे। देखिए ऑलरेडी थिक होने लग गई इसकी ग्रेवी, तो उसी हिसाब से आप तैयारी करिए, उसी हिसाब से आप पानी डालिएगा। और ये फर्स्ट क्लास, अब हम इसको आपको दिखाते हैं। अच्छा ये देखिए हो गया, बंद करिए इसको और इसको फर्स्ट क्लास अब हम डिश आउट करते हैं। ये देखिए क्या बढ़िया सब्ज़ी बनी है। ये देखिए क्या बेहतरीन डिश बनकर आई है। तो आप भी बनाएं मटर मशरूम मखाना, खाने वाले कहेंगे ये तो है स्वाद का खजाना। फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ बहुत जल्दी, इंतज़ार करिएगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे।